वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज अपने पास है BMW X7 और आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल मेरे ही पीछे गाड़ी है। लेकिन पीछे दिखाने से पहले आप मेरी कुछ बातें तो जान लो। दोस्तों, ये गाड़ी BMW X7 है, हाल ही में लॉन्च हुई है, लेटेस्ट मॉडल है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फ्रंट फेस दिखा देता हूँ, उसके बाद गाड़ी की डिटेल दे जाऊँ। तो सबसे पहले ये आपके सामने ये रहा फ्रंट फेस। जैसे ही इस गाड़ी को मैं अनलॉक करूँगा तो गाड़ी आपका वेलकम करेगी। किस तरीके से वेलकम करेंगे एक बार आप पास से देखिए। यहाँ पर इसके DRLs ऑन हो जाते हैं और यहाँ पर आपको ग्रिल में भी लाइट शुरू हो जाती है, आप देख सकते हो। और पास आओ एक बार, जब आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो ग्रिल है इसकी ये बंद है, आप देख सकते हो बिल्कुल फिंगर्स नहीं जा रही है, रेडिएटर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दूंगा तो ये जो ग्रिल है ये ओपन हो जाएगी। तो आप ये रुकिए, मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो गाड़ी ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हो ग्रिल जो है पूरी ओपन हो चुकी है। तो ये फीचर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब गाड़ी को बंद कर देता हूँ और इसके बाद देखिए कैसे बंद होती है ये। तो अब मैं गाड़ी ऑफ करने वाला हूँ और ये गाड़ी ऑफ हो चुकी है। धीरे से इसकी जो ग्रिल है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाती है। अब आप देख सकते हो ग्रिल इतनी बड़ी है और इसके वजह से जो गाड़ी का जो लुक आ रहा है ना, बाय गॉड बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जाता है और कहीं कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो क्रोम का भी यूज़ किया गया है, पियानो फिनिशिंग का यूज़ किया है। अब मैं आपको इसके DRLs दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर DRLs काफ़ी सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे क्या लगती है इस गाड़ी की, यहाँ पर आपको लेज़र LED हेडलाइट्स मिल जाते हैं जिनका कलर वाइट मिलता है। बहुत ही अच्छा थ्रो मिलता है आपको नाइट में, बहुत ही अच्छा फोकस मिलेगा आपको हाईवे पर, सिटी में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो आप इसकी लाइट की, क्योंकि भाई बहुत लग्जरी गाड़ी है। ओवरऑल फेस को इस टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई। इस गाड़ी में ना फ्रंट सेंसर काफ़ी सारे मुझे यहाँ पर देखने ही नहीं मिल रहे हैं। देखो, एक यहाँ पर मिल जाता है, एक यहाँ पर मिलने वाला है आपको, एक यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ भी मिलने वाला है और ये भी मिल रहा है। तो दोस्तों टोटल इसमें 6 फ्रंट सेंसर मिल जाते हैं। तो भाई गाड़ी पार्क करने में या सिटी में कहीं भी अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने वाले हो, बहुत ही जल्दी आप ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कर पाएंगे। दोस्तों अब आ चुके हैं हम साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो रोड प्रेजेंस आने वाली है रूफ रेल्स के साथ ब्लैक पिलर, इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत लग रही है गाड़ी। बहुत लोगों की दोस्तों ये ड्रीम कार होने वाली, अगर किसी ने अगर ये वीडियो देख लिया, BMW X7 बिल्कुल। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर M सीरीज है ये दोस्तों, तो यहाँ पर आपको M की ब्रांडिंग यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आ ही चुके हैं तो भाई टायर का साइज़ देखो कितना बड़ा साइज़ है। आप 21 इंचेस का यहाँ पर आपको टायर दे रही है कंपनी, और कॉन्टिनेंटल के टायर मिल जाते हैं, टायर और TPMS जैसे छोटे मोटे फीचर्स इसमें मिल रहे हैं। क्योंकि छोटे मोटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इस गाड़ी के लिए वो छोटा मोटा ही फीचर है। अब आते हैं थोड़े पीछे की ओर, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ऑन ओवर VMs, 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। जो भी ब्लैक पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो सारा ही पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। चाहे आप इसकी बात करो, चाहे डोर बॉर्डर की बात करो, चाहे आप साइड बीडिंग की बात करो, पूरा ही यहाँ पर जो भी ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है वो पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ यूज़ किया है। तो भाई बहुत ही लग्जरी फील आ रहा है इस गाड़ी को देखने के बाद। गाड़ी में अंदर और बाहर जाने के लिए फुट स्टेप का यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, तो आप देख सकते हो भाई काफ़ी मजबूत दिया गया है। तो भाई ये गाड़ी के अंदर और बाहर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी इसमें। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 221 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। और तो और इस ग्राउंड क्लियरेंस को आप इंक्रीज भी कर सकते हो। कैसे करना है वीडियो में जुड़े रहना, आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें एयर सस्पेंशन आते हैं, चलो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपको रियर प्रोफाइल दिखा देता हूँ, रियर प्रोफाइल दिखाने के बाद मैं आपको फीचर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में जुड़े रहना। अब हम आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में। दोस्तों मेरी हाइट जो है कम से कम 6 फीट के आसपास है, तो आप देख सकते हो गाड़ी की कितनी ज़्यादा हाइट है। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। और तो और यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसका जो डिफॉगर है इसका डिज़ाइन ही कुछ और तरीके से किया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर मिलने वाला है, X7 की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल रही है, बीच में लोगो मिल जाता है। यहाँ पर सिल्वर असेंट्स और पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यूज़ किया गया है। X Drive 40D की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है।
भाई बहुत ही ह्यूज बनाया है इस गाड़ी को। इस गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस आएगा रियर साइड से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा की पोजीशन आपको दिख ही चुकी है, दो एग्जॉस्ट मिल जाते हैं आपको। अब दो एग्जॉस्ट क्यों दिया गया, क्योंकि भाई V6 इंजन है 3 लीटर का, तो भाई दो एग्जॉस्ट होंगे तभी तो गाड़ी को टॉर्क भी मिलेगा। चलो तो अब गाड़ी का बूट ओपन कर लेते हैं। तो भाई सिर्फ एक क्लिक करना है और ये आपका बूट ओपन हो चुका है। अब आप मान लो कि मेरे पास बहुत सारा लगेज है और ये लगेज मैं यहाँ पर आके रख देता हूँ और मुझे ये दोनों सीट को फोल्ड करना है। और इसमें एक बहुत ही खास फीचर आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है ऊपर भी नीचे भी। जैसे ही मैक्स बटन को दबाता हूँ तो ये क्विक रिस्पॉन्स करता है और दोनों जो रियर थर्ड रो जो है उसकी सीट फोल्ड हो जाती है और ये जो सीट है वो अपने हिसाब से आगे चली जाती है। आप देख सकते हो अपने हिसाब से ये कंफर्ट कर लेती है और एडजस्ट करके अपनी जगह बना लेती है। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा बूट स्पेस मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। अब मान लीजिए कि मैंने ये अपना जो लगेज है ये गाड़ी से उतार लिया, उसके बाद मुझे इसे अपनी जगह पर करना है तो मुझे एक बटन दबाना होता है। जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ वो जो सीट है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे हो जाती है सेकंड रो वाली और ये दोनों ही सीट अपनी जगह पर वापस आ जाती है। लेकिन गाड़ी की स्टेपनी कहाँ है, हो सकता है गाड़ी के नीचे हो, तो एक बार नीचे देख लेते हैं स्टेपनी है क्या। नहीं है भाई, स्टेपनी नहीं है इस गाड़ी में, मिसिंग है। तो यार ये तो बहुत गजब की चीज़ हो गई, गाड़ी में स्टेपनी ही नहीं है। अब कंपनी ने क्यों नहीं दी है, अब कंपनी से ही पूछना पड़ेगा। आप लोग बताना, अगर आप रियल कार एंथुसियास्ट हो तो बताना कि इस गाड़ी में स्टेपनी क्यों नहीं है। चलिए जानते हैं कौन बता पाएगा, जिसने बता दिया उसको एक गिफ्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से, टायर इन्फुलेटर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बूट लॉक करने का भी बटन मिल जाता है और एयर सस्पेंशन है। अगर आप कोई लगेज लेके जा रहे हो और लगेज आपको रखना है, गाड़ी की हाइट आपको बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही है, तो ये बटन आप जैसे ही दबाओगे तो गाड़ी आपके नीचे लिफ्ट हो जाएगी और कम से कम 40 mm तक आपकी गाड़ी नीचे जाती है। तो जैसे ही अगर आप ये बटन दबाते हो तो गाड़ी आपकी एयर सस्पेंशन के थ्रू नीचे चली जाती है। अब बूट उसका जो है वो लॉक कर लेते हैं। तो जैसे ही टेल गेट पर मैं बटन दबाता हूँ और इसका जो टेल गेट है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो भाई साहब अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, तो बहुत ही मज़ेदार गाड़ी है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में आने से पहले सबसे पहले आपको डोर्स दिखा देते हैं कि भाई डोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रियर सीट की कंट्रोल मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर मेमोरी सीट के बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन ये रहा आपको। और यहाँ पर आपको सिल्वर गार्निश में आपको डोर्स लॉक अनलॉक और आपके गेट ओपन करने के लिए यहाँ पर सिल्वर कलर का दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरे विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर मिल जाता है। हार्मन कार्डन के स्पीकर मिलने वाले आपको देख सकते हो, ट्विटर आपको यहाँ पर लगा के दे रही है कंपनी। यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, एम्बियंस लाइट भी मिल रही है, वो मैं आपको और अच्छे से अंदर दिखा दूंगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको कंपनी स्पीकर दे रही है, गाड़ी में बहुत सारे स्पीकर दिए गए हैं, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको मिलने वाली है। सामने की जो चारों सीट्स है इन चारों सीट पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है। तो भाई ये चारों ही सीट्स में जो फीचर दिया है कंपनी ने तो बहुत अच्छा दिया है। अब देखो जैसे ही मैंने अनलॉक किया, अब जैसे ही डोर ओपन करता हूँ सो भाई गाड़ी देखो कैसे वेलकम करती है आपका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सो भाई कमाल ही कर दिया इसने, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। BMW की पूरी ही कनेक्टेड आपको यहाँ पर जो स्क्रीन है वो मिल जाती है। फ्लैगशिप मॉडल है तो भाई ये सीए आपको मिलनी ही चाहिए। आपको ये वेलकम कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बताना। एम्बिएंट लाइट 64 या 58 के आसपास आप कलर चेंज कर सकते हो, इसे अपना मूड बना सकते हो। और तो अगर जो इसका सनरूफ है, इसके सनरूफ में भी आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। जैसे ही नो लाइट होता है वैसे ही जो कलर की एम्बिएंट लाइट आपको डाली वही कलर की एम्बिएंट आपको सनरूफ के चारों बॉर्डर पर मिल जाती है। अब आप देख सकते हो चारों ही बॉर्डर में एम्बिएंट लाइट शुरू हो चुकी है, तो भाई रात को बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। आप अपना माहौल इस गाड़ी में बैठ के बना सकते हो और ये एम्बिएंट लाइट के कलर आप चेंज भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने मूड के अकॉर्डिंग। भाई साहब इंटीरियर में आ चुका हूँ और इंटीरियर कितना जबरदस्त बनाया गया है, वाकई में अगर आप इसे लाइव देखोगे तो पागल होने वाले हो दोस्तों। आप देख सकते हो कि यार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से बनाई गई है। एक ही यूनिट में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रो डिप किए गए कुछ कुछ पैनल्स को, तो इससे गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा स्टांस लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रही है गाड़ी। हर एक एरिया, हर एक मेटल और हर एक प्लास्टिक और हर एक फाइबर का जो यूज़ किया है ना, टॉप नॉच है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। और आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलने वाला है। यहाँ पर आपको SOS इमरजेंसी के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कैबिन लाइट मिल जाते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल रहा है। जैसे ही मैं इसे लॉक करता हूँ तो लाइट भी इसका ऑफ हो जाता है। ड्राइवर साइड है तो लेफ्ट साइड में भी आपको मिलने ही वाला है। तो भाई बहुत ही अच्छा लग्जरी फील आप यहाँ पर लेने वाले हैं। पैनो ब्लैक फिनिशिंग का भी काफ़ी जगह यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक ही यूनिट में इसका AC सेट किया है।
आप देखो यार क्या तरीके से बनाया गया है, ये एसी वेंट्स है, आप देख सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो लॉक हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऑन हो जाएगा। एसी तो कमाल की है ही, एसी के बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, टाइप ए यूएसबी मिल जाता है, वायरलेस चार्जर आपको मिलने वाला है। और भाई साहब ये रहा इसका ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर लीवर लगाया गया है, बिल्कुल डायमंड ने उठा के बिल्कुल रख दिया, जो चोर मचा शोर मूवी में आया था ना, जो शिल्पा शेट्टी पहनती भाई, वही वाला डायमंड यहाँ पर लगा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने के लिए, ये जो कंसोल है ना मज़ा ही आ जाएगा आपको। और ये दोस्तों जिस फीचर की मैं बाहर बात कर रहा था उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी की जो हाइट है, जो एयर सस्पेंशन है, उसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये रहा इसका पार्किंग हैंड ब्रेक। और ये रहे इसके मोड, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट मोड, इको प्रो मोड। इको प्रो मोड में चलाओगे तो गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ और पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के यहाँ पर पूरे ही बटन आपको मिल जाते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं आर्मरेस्ट के, तो काफ़ी ब्रॉड रखा गया है। ओहो बड़ा सॉफ्ट रखा गया है भाई, जैसे इसे दबाओगे तो भाई आपका यहाँ पर ग्लो बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर टाइप सी दिया गया है और भाई यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। भाई अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स की, तो स्टेयरिंग की पहले बात करेंगे। जो रैप किया गया है, जो सॉफ्ट टच यहाँ पर रखा गया है, तो भाई इसका तो मैं बिल्कुल दीवाना ही हो गया हूँ। यहाँ पर जो स्टिचेस है, BMW का बीच में लोगो है, यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है। और यहाँ पर राइट साइड में पूरे ही कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स दिए गए हैं, पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको वॉशर और वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। भाई इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। पूरा ही यहाँ पर आपको डिजिटल मिल जाता है, टॉप स्पीड 260 की आपको यहाँ पर मिल रही है। छोटे मोटे बहुत सारे फीचर्स है, तो मैं ज़्यादा फीचर्स की बात करूँगा नहीं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। इस साइड में भी आपको मेमोरी सीट मिल रही है, यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंशन मिल जाता है, साइड सपोर्ट मिल जाता है भाई, वेंटिलेट सीट मिल जाती है आपको। लेकिन यार इस गाड़ी में एक चीज़ की जो कमी है, अगर इस गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको मसाज सीट मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन भाई इतने सारे फीचर्स दे दिए तो ये छोटे मोटे मसाज की जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पर स्किप मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगी, जो इसके जो हेडरेस्ट है ना, उस हेडरेस्ट को आपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। भाई बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो मैं इसे अपने हाथ से ही इसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी सही है। देखो आप देख सकते हो मैं इसे भी अपने हाथ से फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो रहे हैं। अब रियर साइड में जो वेंट है आप देख सकते हो, उसके कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मैक्स ऑटो और टेम्परेचर के सारे ही कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। पीछे आपको कैप्टन सीट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो दो कप होल्डर मिलने वाला है, 12 वोल्ट मिल जाता है, और तो और आपको यहाँ पर टाइप सी के दो पोर्ट भी मिल जाते हैं। तो भाई पीछे बैठने वाले को भी पूरा मजा आने वाला है भाई। और तो और कुछ कुछ चीज़ें इसमें बहुत एडवांस रखी गई है, आप देख सकते हो मैं इसे स्लाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी सही है, दो पोर्ट यहाँ मिल गए, एक पोर्ट यहाँ मिल जाता है। तो चलो एक बार पीछे बैठ के बताता हूँ भाई, पीछे कैप्टन सीट मिल रही तो कंफर्ट कितना है वो बैठ के, वो तो बैठने के बाद ही पता चलेगा। भाई देखो अंदर आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर फुट स्टेप लगा के कंपनी ने दिया ही है, जो साइज है काफ़ी बड़ा है, तो भाई आसानी से मैं इसमें अंदर आ जाता हूँ। और ये देखो भैया मैंने कर दिया इसे बंद, और देखो मुझे कंपनी कर्टन लगा के भी दे रही है, तो भाई ये चीज़ काफ़ी सही है। और जो पीछे के जो विंडो है मुझे ऑटो मिल जाते हैं। अब आप देख सकते हो कि यार आप सोच रहे हो कि यार दो दो विंडो कैसे ऊपर नीचे हो गए, तो भाई ये इस गाड़ी का कमाल है। हम देख सकते हो ये नॉर्मल विंडो इसमें दिया गया है, और मैं चाहूँ तो अगर इसे कर्टन लगाना है तो मैं कर्टन को हम देखो कैसे यूज़ कर सकता हूँ। भाई कर्टन के लिए अलग जगह दी गई है, और जो विंडो है उसके लिए अलग जगह दी गई है, तो भाई ये चीज़ कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। हम बात कर लेते हैं कंफर्ट की, तो पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक सीट मुझे यहाँ पर दी गई है, तो देखो मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेता हूँ। रिक्लाइन एंगल, डिक्लाइन एंगल, देखो सीट को पीछे आगे, मतलब सारी ही चीज़ें, स्लाइड करना, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ देखो यार, ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, यहाँ पर मुझे अपना पर्सनल आर्मरेस मिल रहा है, यहाँ पर भी मुझे अपने आर्मरेस जैसा एक सपोर्ट मिल रहा है। और सनरूफ आप देख सकते हो पूरा ही ओपन है, पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस नेचर का भी इसमें मज़ा ले सकता हूँ। छोटी मोटी कैबिन लाइट मुझे यहाँ पर मिल जाती है, तो भाई एक चीज़ काफ़ी सही मिलती है। और यहाँ पर मुझे टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, तो और यहाँ पर मुझे छोटी मोटी यहाँ पर स्पेस भी मिल जाती है, जिसमें अपने मैगजीन या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे अगर रखना है, फाइल वगैरह, तो मैं इसमें रख सकता हूँ। और जो सामने का जो लुक है, जो मतलब विंडशील्ड से अगर मैं बाहर देख रहा हूँ, तो वो भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पर नज़र आ रहा है, इतना रिक्लाइन एंगल होने के बाद भी। और मन तो ऐसा कर रहा है कि इससे लद्दाख और मनाली जाने का मेरा मूड हो रहा है, तो जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। तो देखो थर्ड रो की अगर हम बात करें, तो एक बार आपको बैठ के दिखाई देता हूँ कि भाई पीछे कितनी स्पेस मिलती है।
वैसे तो देखा जाए कि पीछे तो छोटे बच्चों के लिए ही होती है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बैठ के एक बार दिखाई देता हूँ कि भाई पीछे क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। प्रॉपर मुझे यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पर मुझे कप होल्डर मिलने वाला है, एम्बियंट लाइट पीछे भी मिल रही है, ये भी बात बहुत बढ़िया है। अच्छा जी भाई यहाँ पे एसी वेंट भी मिल जाता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा सीट बेल्ट एडजस्ट मुझे थर्ड रो में मिल रहा है यार, ये मैंने कभी नहीं देखा था कि थर्ड रो में मिल रहा है। ड्राइविंग सीट पे मिलता है, को पैसेंजर साइड पे मिलता है वो अलग बात होती है, लेकिन थर्ड रो में कंपनी दे रही है तो भाई मज़ा ही आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी आर्मरेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है। आगे वाली सीट पर तो अपना पर्सनल आर्मरेस्ट मिल रहा था, लेकिन पीछे कोई आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जो पीछे की जो रियर की जो सीट्स होती है वो बच्चों के लिए होती है, तो यहाँ पर भी मुझे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, आप देख सकते हो। भाई इस गाड़ी की सबसे खास चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही गाड़ी की चाबी, ये रहा इसका फ्रंट। यहाँ पर आप जैसे ही लोगों को दबाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी और ये अनलॉक का बटन आपको मिल जाता है, ये बूट रिलीज का बटन मिल जाता है और ये बटन को आप जैसे ही दबाओगे तो भाई आपके जो DRLs हैं और जो हेडलाइट्स हैं ये सारी चीज़ें ऑन हो जाती है और ये वेलकम लाइट भी ऑन हो जाती है। तो भाई ये फीचर कैसा रहता है आपको कमेंट में जरूर बताना। भाई ये चाबी खरीदने के लिए आपको 1,30,00,000 रुपए खर्च करने होंगे और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अनुसार आप इसे कस्टमाइज भी करवा सकते हो सिर्फ इसके इंटीरियर को। भाई कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप कुछ वीडियो मुझसे चाहते हो, आपको लगता है कि आपको इस गाड़ी में वीडियो बनाना चाहिए, तो भाई कमेंट बॉक्स ऑन है, वहाँ पर जाके उंगली करो, कमेंट करो और मुझसे सवाल करो, मैं आपका वहाँ पर पूरा ही जवाब दोस्तों देने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।